ओके, आई होप कि आप स्क्रीन क्लियर है। यहां देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। तो अब रूट्स इक्वल होने के लिए तभी हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो हमारे पास हम फिर के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज के की वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती। लेकिन हम खुद नहीं कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो है। कैसे बताया उसने कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है? उसने कहा रूट्स आर इक्वल, तो ये बात बता रही है कि डिस्क्रिमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 3k plus 4 is equals to 0. Okay, what is a here? A 1 ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 एंड सी वैल्यू इज 3k plus 4 वेयर द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज गिवन यू नो, और ओके, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 2 इंटू के प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1 एंड सी वैल्यू इज 3k plus 4 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और k प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2k लिखेंगे। 4 वन्स आर 4, तो 4 थ्रीज आर 12, k प्लस प्लस माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से भी मल्टीप्लाई कर दें, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां से लाइक टर्म्स कौन सी हैं जो के प्लस माइनस हो सकती हैं? ये और ये, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4k स्क्वायर 8k माइनस 12k, तो माइनस 4k और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग 4 एज अ कॉमन, हम ले लेंगे, सर क्वेश्चन में k प्लस 2 है। अच्छा चलो बैठो, k प्लस 2 है, ये b की वैल्यू,
यहाँ पे जी अच्छा तो आप लोग बुक सामने रखा करें क्योंकि ये तो वैल्यूज अब चेंज हो जाएंगी. यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 8K, ये वैल्यूज भी चेंज होंगे. ओके यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 4K, 2 इंटू 2 AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, तो 4 4 4 4 16, पहले K के साथ 16K और प्लस 16, ठीक है. ये 16 प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल. अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास ये आएंगी 16K माइनस 12K, तो 4K इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से प्लस 4, हाँ प्लस 4K, 4K आप कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी K प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4K इज इक्वल टू 0 और K प्लस 1 इज इक्वल टू 0. K इज इक्वल टू माइनस 1 और K इज इक्वल टू 0/4. चलें जी मुतसविर आप बताएं 0/4 क्या होता है, 4 या 1? सर 0/4 0 होता है. वेल डन, 0/4 0 होता है. तो K इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ से, ये तो बस ये आंसर्स हैं. तो हमेशा आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है, इस स्टेटमेंट को आपने देखना है. इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस K की वैल्यू फाइंड करनी है. लेकिन आपने देखना है वो बता कह रहा है इक्वेशन वे द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल. तो ये जब रूट्स की बात कर रहा है तो ये जो रूट्स की बात कर रहा है तो रूट्स ऑफ द फॉलोइंग मतलब डिस्क्रिमिनेट इज 0, बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह ही होने हैं, ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं. शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. तो कुछ टीचर इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में गलती करते हैं. वो कहते हैं शो दैट द रूट्स हैज शो दैट द इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल. हमने शो करना है कि रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है. रूट्स को डिस्क्रिमिनेट को जीरो प्रूव करना है, ये नहीं कि शुरू से ही जीरो लिख दें. मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना आप. शो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. तो हमने शो करना है कि डिस्क्रिमिनेट इज बिकम जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो चले इस क्वेश्चन को देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी. तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, और फिर बाद में आ रहा है मेरे पास. आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है? नहीं, नो नो सर, अब है. ठीक है, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमें गिवन है वो हम बाद में यूज करेंगे. इफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है. तो ये गिवन है. चलें हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन के लिए हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सी एम एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी.
और ए स्क्वेयर को भी लेफ्ट साइड पे ले जाएं, माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये दीज आर लाइक टर्म्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। और अब उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म आएगी मिड टर्म, टू सी एम एक्स, और फिर लास्ट में हमारे पास ये टर्म्स आएंगी कंबाइन फॉर्म में जो कि कॉन्स्टेंट है, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वन प्लस एम स्क्वेयर, बी वैल्यू टू सी एम, और सी वैल्यू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबके प्राइम ले लूंगा, मेक सम डिफरेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ईयर में भी बुक में है मैथ्स में। तो आप लोगों ने वो कुछ टीचर्स बस वो पढ़ा रहे होते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिक को, तो वो फर्स्ट ईयर के उस पर करा देते हैं। तो ये क्वेश्चन स्लाइटली चेंज है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो शो करना है। तो बी की वैल्यू हमारे पास, बी प्राइम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, व्हाट इज बी प्राइम, टू सी एम स्क्वेयर माइनस फोर, ए प्राइम वैल्यू वन प्लस एम स्क्वेयर, और सी प्राइम वैल्यू इज सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। स्क्वेयर लें, सो फोर सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर फोर, नाउ मल्टीप्लाई, वन इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सो प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, एम इंटू ए प्लस माइनस माइनस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, आप फोर को भी मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट फोर सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर। पूरिया अभी इस क्लास में नहीं है ना, माइनस माइनस प्लस नो सर। आप एक उसको पर्सनल टेक्स्ट करें, मे बी उसे नॉलेज भी ना हो कि क्लास हो रही है। फोर इंटू प्लस माइनस माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फोर एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। वी थिंक इज गोइंग टू कैंसल, ये कैंसल हो गए, बाकी सारी टर्म्स रहेंगी हमारे पास। तो फोर ए स्क्वेयर माइनस फोर सी स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ये वाली टर्म इसको सबसे शुरू में लिखा है प्लस के साथ। अब हमें सी की वैल्यू का पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वन प्लस एम स्क्वेयर, वो वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा फोर ए स्क्वेयर, फोर सी की जगह हम लिख देंगे ए स्क्वेयर इंटू वन प्लस एम स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर। अब सब कुछ कैंसिल होने वाला है, फोर ए स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए
फोर ए स्क्वायर, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फोर ए स्क्वायर, एम के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, ओके। तो आंसर क्या आ गया, जीरो। हेंस डिस्क्रिमिनेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमने साबित कर दी है, प्रूव कर दिए। क्लियर एवरीवन? सर इसका आंसर वन नहीं आएगा कट करने के बाद? वन माइनस वन क्या होता है? जीरो। वो एक दूसरे से माइनस हो गए हैं, ये इससे माइनस हो गया जीरो, माइनस फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर से माइनस हो गया तो जीरो। हमने रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेट क्या हो, जीरो जीरो। दिस इज द मेन लॉजिक, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द गिवन कंडीशन, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस पर रूट्स इक्वल हो। तो जैसे यहाँ पे एक रूट कंडीशन हमें पता थी, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, तो हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास बोर्ड पे चलते हैं, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर नहीं एम एक्स प्लस, क्या क्वेश्चन है, एम एक्स क्वेश्चन कहाँ पे गया, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू सी एम एक्स, और एज इट इज आ जाएगा माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ विच आर द लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे, एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और लास्ट में आ जाएगा सी स्क्वेयर। ये कॉन्स्टेंट है, सी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट था, अलग लिख दिया है एक्स स्क्वेयर। ये जो मिड वाली टर्म है इनको मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, क्या चीज कॉमन लूंगा, एक्स कॉमन लूंगा और साथ टू भी कॉमन लूंगा, तो टू कॉमन चला गया और एक्स कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा सी एम और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टू ए। सर कंपल्सरी है टू को कॉमन लें? नहीं, ओके हाँ कोई जरूरत नहीं, चले मैं बस जस्ट टू मेक इट इजी। हाँ अगर आप चाहते हैं कि हम ना लें तो भी हो सकता है, मैं वैसे करता हूँ आज। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टू सी एम माइनस फोर ए, जस्ट मैंने एक्स कॉमन ले लिया। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ए वैल्यू इज एम स्क्वेयर, बी वैल्यू ए प्राइम, बी वैल्यू इज टू सी एम माइनस फोर ए, एंड व्हाट इज द सी प्राइम इज सी स्क्वेयर। ओके ओके, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। सिंस
डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर b prime square minus 4 a prime c prime. Putting the values here, b value kya hai 2cm, a prime value is m square, or c prime value is c square. Kuch galti ki hai maine, sorry. यहाँ पे है p प्राइम वैल्यू है माइनस 7 4 a भी आएगा ओके होल स्क्वायर. नाउ ओपन द स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मैं इसी को येलो से ही ओपन करूँगा या आप समझे कि मैं इसको ब्लू से कर लेता हूँ. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4 सी एम सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर. सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 4s are 8 और जो 2ab वाला 2 होगा उसके साथ 16 हो जाएगा. 16 मतलब 2 into 2 4 4 into 4 16 16 a c m. क्लियर क्लियर एवरीवन. जी मतलब ये देखें 2cm into 4a इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a भी बन गया सात माइनस के साथ. तो मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी है डायरेक्ट में 4m स्क्वायर को c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर. We think will cancel. ये cancel हो गया. अब हमारे पास आंसर आ रहा है 16 a square minus 16 a c m. अब question क्या था, थोड़ा सा question को एक दफा recall कर लेते हैं. हमारे पास this is a question. Question number 6. Find the condition that the roots of the equation are equal. प्रीवियस क्वेश्चन में था शो दैट द रूट्स हैज इक्वल. तो उसमें शो करना था तो डिस्क्रिमिनेट हम जीरो फाइंड किया है. लेकिन इसमें क्या करना है, हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें रूट्स इक्वल हों. तो रूट्स इक्वल होंगे तो वो कंडीशन होगी. तो हमने मतलब डिस्क्रिमिनेट को जीरो लिखना होगा. डिस्क्रिमिनेट को जीरो लिखना होगा. डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो. हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि रूट्स इक्वल हैं. तो ये इक्वालिटी साइन अब मैं नहीं लगाऊंगा. हाँ ये लगा सकता हूँ. इट इम्प्लाइज दैट इक्वल्स टू जीरो. क्योंकि इसमें क्या करना है, रूट्स इक्वल है, कंडीशन फाइंड करनी है. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, कंडीशन गिवन थी और रूट्स इक्वल शो करने थे. तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेट को जीरो शो करना था. इसमें रूट्स इक्वल हैं उसने कह दिया है लेकिन कंडीशन फाइंड करें. तो रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेट जीरो होता है. अब यहां से आप 16 ए कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी एम. तो एक ऑप्शन आ जाएगी 16 ए इज इक्वल टू जीरो और दूसरी ऑप्शन और के साथ आ जाएगी a माइनस सी एम इज इक्वल टू जीरो. सो a इज इक्वल टू जीरो और दूसरी ऑप्शन आ जाएगी a इज इक्वल टू सी एम या a माइनस सी एम. वो भी रहने दे, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है. तो दिस इज द कंडीशन फॉर के a की दो वैल्यूज हो सकती हैं. या अगर बुक में मेरे ख्याल में देखिएगा बुक में क्या ये आंसर तो नहीं लिखा. A equals to CM, CM लिखा है. अच्छा A is equals to A is equals to CM. ठीक है और A is equals to zero.
तो ये जीरो नहीं सिर्फ एक लिखा है सी एम, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है, अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें सी एम तो आंसर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, या ए को ज़ीरो कर दें तब भी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास वो रूट्स इक्वल होंगे। तो हमारे पास पहली बात है कि उसने कहा कि रूट्स इक्वल हैं, कंडीशन फाइंड करें। तो दीज आर द कंडीशन फॉर विच द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो या रूट्स आर इक्वल। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा नेक्स्ट पेज पर। मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइंड कंडीशन इफ रूट्स आर इक्वल। तो मैं डिस्क्रिमिनेट को क्या लिखूंगा, जीरो या डिस्क्रिमिनेट फाइंड करूंगा? जीरो लिखेंगे। यस, डिस्क्रिमिनेट जीरो होगा क्योंकि बता दिया। और अगर मैं दूसरी बात लिखता हूं शो दैट रूट्स आर इक्वल, show that the roots are equal if condition is this, कोई भी condition हो सकती है, ठीक है। जैसे उसने कहा if c is equal to, अब यहां पर discriminant क्या लिखूंगा, zero लिखूंगा या discriminant find करूंगा? discriminant find करेंगे। yes good, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करेंगे p स्क्वायर माइनस 4ac और उसको फाइंड करेंगे एंड तक। तो एंड में आकर जहां पर वो कंडीशन वैल्यू पुट करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट जीरो खुद ब खुद हो जाएगा क्योंकि हमने रूट्स को जीरो शो करना है। ओके ओके, ये मेन डिफरेंस था इन दो क्वेश्चंस में। मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बुक से अब बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5, 6 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं ये बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 से लॉन्ग काफी आता है, लेकिन अब 5, 6 2 में से नहीं आएगा। आप देखिएगा ये जो 3 से लेकर 7 तक क्वेश्चन है यहाँ से लॉन्ग आएगा। तो आप लोग जो है इन पे वर्क करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आई होप कि यहाँ से आप हर एक पार्ट को करें। और जब भी वो बताता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी किसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप डिस्क्रिमिनेट को ज़ीरो कर दें, डिस्क्रिमिनेट को क्या कर दें ज़ीरो, तभी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमें तो नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो मतलब जीरो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वहां से हमने गैस किया था। इसमें हमने कहा कि इसमें उसने बता दिया कि रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, तभी के की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट जीरो साबित किया है, प्रूफ किया है, और इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो था लेकिन हमने कंडीशन फाइंड की है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, 3, 4, 5, 6 वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में 7 to 10 करा दूंगा। ओके ओके सर, एनी क्वेश्चन मुबशरा? नो सर। मुतसविर आपको बेटा? नो सर नो। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।